हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड वी आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आइए देखते हैं कि एमएस एक्सेस में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं एमएस एक्सेस को। यहां मैंने एमएस एक्सेस को ओपन कर लिया है। अब हमको यहां पे ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है, चूज कर लेते हैं और इसे चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं। मैं यहां पे डेटाबेस 82 ही रहने देता हूं और क्रिएट पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने आएगा। अब हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो हमको जाना है व्यू पे और क्लिक करिए यहाँ पे और आ जाइए डिजाइन व्यू पे। ठीक है, टेबल वन को मैं कोई नाम दे देता हूं, जैसे मैं कोई भी नाम यहाँ दे देता हूं। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ आईडी। मेरा सबसे पहले यही कहना होता है कि हम एक स्टूडेंट का ही बेस लेकर चलते हैं, तो यहां मैं दे देता हूं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, फिर जब नीचे आएंगे इसको ऑटो नंबर भी दे सकते हैं आप, या फिर नंबर खुद से भी नंबर देना चाहते हैं तो यहां से खुद से भी नंबर दे सकते हैं। फिलहाल मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूं और यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि इसमें आप क्या लिखेंगे। अब आते हैं यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसको देने के बाद यहां पे डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। यहां पर जब आएंगे तो फिर स्टूडेंट का जो जेंडर है वो लिखेंगे हम, तो यहां लिखता हूं जेंडर। ठीक है, यहां डेटा टाइप टेक्स्ट रखता हूं। ठीक है, और इसके बाद एक काम करते हैं हम, यहां टेक्स्ट न रख करके आएंगे लुकअप विजार्ड पे। यहां लुकअप विजार्ड आपको दिख रहा होगा, लुकअप विजार्ड पे आ जाइए और यहां पे दिया गया आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुक अप द वैल्यूज इन द टेबल और क्वेरी। इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है। यहां पर एक और रेडियो बटन बना हुआ है जिसे लिखा हुआ है, जिसमें आई विल टाइप इन वैल्यूज दैट आई वांट, इस पे क्लिक करिए और यहां नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और यहां पर आपको दो वैल्यूज देनी है। पहली वैल्यूज मैं दे देता हूं मेल और दूसरी वैल्यू दे देता हूं फीमेल। ठीक है, यहां दो वैल्यूज हमने दे दी, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहां पे आप अलाउ मल्टीपल वैल्यूज इसको टिक मत कीजिएगा और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे ये जेंडर आ गया हमारा। जेंडर के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, स्टूडेंट की सिटी क्या है, सिटी दे देते हैं। तो सिटी में भी मल्टीपल हमें रखना है, तो यहां पे लुकअप विजार्ड पे जाएंगे। जैसे हर स्टूडेंट अलग अलग सिटी का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे सिटी के निवासी हैं या रेजिडेंस आपका कहीं और है तो उस सिटी का नाम यहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां कानपुर। ठीक है, फिर लिखता हूं लखनऊ, फिर लिखता हूं गोरखपुर, फिर लिखता हूं देवरिया और अब यहां पर नीचे एक और लिख देते हैं सिटी का नाम। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सहारनपुर। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब यहां पे करिए नेक्स्ट और यहां पे कर दीजिए आप फिनिश। ठीक है, तो ये भी हमारा काम हो गया। अब आते हैं नीचे, यहां पे डालेंगे हम पिन। ठीक है, पिन कोड। ओके, अब यहां पे भी हम लुकअप विजार्ड पे आएंगे, यहां पे क्लिक किया हमने और यहां पे जो हम चाहते हैं वही पिन डालेंगे। तो यहां पे कुछ पिन मैं दे देता हूं। ठीक है, ये हो गया एक पिन, यहां तीन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक और डाल देता हूं, ये पिन है। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इतना पोर्शन तैयार हो गया। ठीक है, और लास्ट में हम यहां पे स्टेट चूज करेंगे। यहां लिखता हूं स्टेट। ठीक है, तो स्टेट क्या है, यहां पे स्टेट भी हम मेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां आएंगे लुकअप विजार्ड पे और यहां पे आई विल टाइप, तो यहां पे जो भी स्टेट हमें डालना है यहां डाल देता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश,
फिर आते हैं महाराष्ट्र, फिर आते हैं बिहार, फिर आते हैं वेस्ट बंगाल, फिर आते हैं दिल्ली। ठीक है, इतना हमने डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया और फिनिश पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास एक इस तरह का हिसाब किताब आ गया है। अब हमको व्यू पे जाना है और डेटा शीट व्यू पे जाना है। इसको सेव कर लीजिए आप। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने क्रिएट कर ली है, कैसे कैसे एंट्री करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम में राम कुमार शर्मा लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहां पर आइए जेंडर, तो यहां पर देख रहे हैं आप जेंडर में ड्रॉप डाउन बनी हुई है, आपको जो चूज करना है कर लीजिए। यहां से मेल है तो मेल चूज कीजिए। अब सिटी इनकी कौन सी है, तो इनमें से कोई एक सिटी है तो यहां से आप चूज कर लीजिए देवरिया सिटी। और यहां पिन कोड डालना है आपको, तो जो भी पिन कोड इनका है अकॉर्डिंग टू आपके सिटी के वो पिन कोड आप चूज कर लीजिए। फिर स्टेट है तो स्टेट यहां से चूज करिए, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए सुमित कुमार ये लिख दिया हमने, यहां पे ये फीमेल है तो यहां फीमेल कर दिया हमने। सिटी इनकी है महाराष्ट्र गोरखपुर, ठीक है। और यहां पिन कोड जो भी है इनका डाल देंगे, ओके, ठीक है। और यहां स्टेट डाल देंगे तो ये स्टेट हो गया। तो आई होप कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं और थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। यहां से इसको रिसाइज कर देते हैं डबल क्लिक करके, ये रिसाइज हो गया, ये भी रिसाइज हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहां से इसको भी कर देते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कैसे बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।